हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हमारा एरे का क्वेश्चन नंबर 5 है, रिवर्स आर गिवन एरे बाय यूजिंग C++ के यूज से एरे में एक एरे दिया गया है, उसके जितने भी एलिमेंट है उसे हमें रिवर्स करना है। जैसे यहाँ 5, 4, 3, 2, 1 दिया गया है, इसे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि एक एरे दिया गया है, उस एरे में के पांच जितने भी एलिमेंट हो उन्हें हमें रिवर्स करके बताना। तो चलिए जल्दी से उसका कोड देखते हैं कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे लेते हैं जो कि int arr of 5 = 5 एलिमेंट लेते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। ये 5 एलिमेंट आ गए। और इसके बाद हम लोग 2 फंक्शन बनाते हैं, रिवर्स एक नाम का फंक्शन बनाते हैं जिसमें arr, 5 रखते हैं और दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट एरे करके, और उसमें arr, 5 कर देते हैं। ये हमने क्यों किया ये अभी आपको पता लग जाएगा। फिर हम लोग जल्दी से एक वाइड हम लोग तब यूज करते हैं जब जिन केसों में हम फंक्शन में इंटीजर को रिटर्न नहीं कर रहे होते उन केस में हम लोग वाइड यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वाइड रिवर्स इंट arr, उसके बाद कॉमा, फिर इंट एन, उसके बाद ब्रैकेट, फिर इस प्रोसीजर में 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक स्टार्ट जो कि डिनोट करेगा एरे की फर्स्ट पोजीशन को, और दूसरा बना देते हैं एंड जो कि डिनोट करेगा एरे की n-1 यानी कि लास्ट पोजीशन को। उसके बाद हम लोग एक लूप लगाते हैं व्हाइल, और उसमें कंडीशन देते हैं इफ स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, इन दैट कंडीशन हम लोग क्या काम करेंगे कि स्वैप करा देंगे, वैल्यूज को स्वैप करा देंगे। क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे हम लोग कि हम पहले लिखते हैं एरे ऑफ स्टार्ट को, आज मुझसे गलतियां जा रहा हूँ, स्टार्ट को किससे स्वैप करा देंगे, एरे ऑफ एंड से। उसके बाद इसको मनी करेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे हमारा स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे और एंड माइनस। मैं अभी इस कोड को दोबारा समझाऊंगा, पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं उसके बाद, फिर उसके बाद हम इस पूरे एरे को प्रिंट भी कराना रहेगा। तो दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं वाइड प्रिंट एरे, कुछ इस तरीके का, और उसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं int arr int n। अब इस कंडीशन में अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर का लूप लगाएंगे। जैसे हमने पहली वीडियो में जाना था कि कैसे हम एक एरे को प्रिंट कराते हैं,
उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करा देते हैं, इन आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई इज लेस देन क्या कर देते हैं हम लोग, से आउट कर देते हैं, से आउट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, और इन सब के बीच में जो बोल रहा था स्पेस दे देते हैं, इसे क्लियरली हम लोग को पता लगेगा। और हम लोग यहाँ लगा देते हैं से आउट एंड, तो हमारा प्रोग्राम लिख करके रेडी है। तो हम बता दें यहाँ पे हमने सबसे पहले एक इंट नाम का एरे बनाया, दो फंक्शन बनाए, पहले फंक्शन में हमने रिवर्स के लिए ले गए, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए स्टार्ट और एंड। स्टार्ट फर्स्ट इंडेक्स को शो कर रहा है, एंड लास्ट इंडेक्स को शो कर रहा है एरे का। फिर हमने एक लूप लगाया वाई का, जहाँ पे कंडीशन ये रखी कि अगर स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा या इक्वल होता है, उस कंडीशन में हम लोग उन दोनों ही एलिमेंट्स के, उन दोनों ही इंडेक्सिंग के एलिमेंट्स को स्वैप करा देंगे। स्टार्ट प्लस प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टार्ट वाली वैल्यू को आगे बढ़ाता रहे, और एंड वाले को इसलिए बढ़ाया क्योंकि एंड की वैल्यू जैसे 5 है, 5 से 4 आएगी, 4 से 3 आएगी, 3 से 2 आएगी, उसके लिए यहाँ पे हमने माइनस माइनस कराया। फिर उसके बाद जो एरे हमको मिलता उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 4 5, और देखते हैं क्या आता है। हमने प्रोग्राम रन किया और वेट फॉर कपल ऑफ मिनट, और हमें मिल गया 1 2 3 4 5। सो ये एक तरीका हो गया हमें किसी भी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करने का। सो आप पढ़ते रहिए और करते रहिए, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।